टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के कौसा कब्रिस्तान के सामने एक खूनी वारदात की घटना सामने आई है, जिसमें कुछ लोगों ने एक इमरान नामक शख्स पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है, जिसमें इमरान गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे तत्काल कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद मुमरा के बिलाल अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। इमरान ने बताया कि कुछ लोग पैसे मांग रहे थे, जिस पर उनका विवाद हो गया। इमरान के साथ जिनका विवाद हुआ है, इमरान ने बताया कि उनका किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं है, मगर कौसा कब्रिस्तान में एक मैयत में शरीक होने के बाद मिट्टी देकर जब ये बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान उनके साथ ये घटना सामने आई। सुनिए इमरान ने इस घटना के बारे में क्या जानकारी दी है। इमरान भाई, कल जो हमला हुआ आपके ऊपर, किन बातों को लेकर के हुआ और किन लोगों ने जो है आपके ऊपर हमला किया? क्योंकि जिस तरह से कल कई चैनलों पे न्यूज़ चली कि कुछ 5 अज्ञात व्यक्तियों ने आपके ऊपर हमला किया था, तो आप बता सकते हैं उन 5 अज्ञात व्यक्तियों के नाम क्या थे और किन वजह से आपके ऊपर हमला किया गया? सबसे पहले बोलूँगा कि 5 नहीं, वो 8 से 9 थे जी। 5 से 8 थे। हमला हुआ पैसे को लेके जी। नदीम मर्चेंट, नदीम चिकना जो जेल में MCLC में बने, जिसपे कई केसेस है, उसका बाप भी बहुत ऊंचा क्रिमिनल था, जो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया और यही इन लोग भी उसके नक्शे के बाप के नक्शे कदम में चलते हैं। हफ्ता वसली किडनैपिंग मर्डर्स ये सब है, हिस्ट्री स्टेटर लोग, इनमें कई केसेस है। ये तब्रेज बर्सन और सिराज, इन लोग और सोहेल छाबा, इमरान 25 ऐसे, और ये रफीक चावल, सोहेल डोरीमन इसको जो बोला जाता है, और एक मुजाहिद शेख 7 से 8 लोग थे। इन्होंने ने हमला कर दिया पैसे के लिए। जो पैसा आपने लिया था, मतलब जिस हिसाब से उनका कहना आप पैसा दो, तो क्या पैसा जो है आपने किसी तरह का कर्ज लिया नहीं, था? नहीं नहीं, उनका डायलॉग है, हमको गुंडा एक्ट चाहिए। गुंडा एक्ट के तहत वो मांगा? हाँ, गुंडा एक्ट, गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेती है जी, बोले गुंडा एक्ट चाहिए। अच्छा, ये जो हादसा आपके साथ हुआ है, ये कितने बजे का हादसा था? तो ये पहले जो भैंस हुई दरगाह पे 5:15 बजे दरगाह शरीफ पे भैंस हुई हम लोग की जी। तो मैंने बोला भाई काय का पैसा, तुम करके भूल गए मेरे पास, कर्जा तुमसे मैंने लिया हो कुछ बात, तो बोले नहीं गुंडा एक्ट, तो मेरी थोड़ी भैंस हो गई। हाँ। तो वहाँ पर मेरी पहचान के बहुत से लोग थे, तो वहाँ पर वो जानते थे हम लोग वहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे, कि मैं लोगों के अच्छे बुरे में जाता हूँ तो लोग मेरे लिए खड़े हो जाएंगे कुछ बुझाओ के लिए। तो उन्होंने प्री प्लान बोला मेरे साथ, चांद नगर में वहाँ से मैयत निकाले, 6 पौने 6 घंटे मैयत निकाले, तस्फीन के लिए हम लोग कौसा कब्रिस्तान ले गए, तस्फीन हुई, मगरिब के बाद निकला, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया।